अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़ैदी जर्नी यूट्यूब चैनल। और मेरा नाम ज़ाहिद मुश्ताक है और मेरे साथ मिस्टर फरहान महमूद रिजवी हैं। और फर्स्ट हमारा पॉडकास्ट है, उसका पार्ट टू आ चुका है। पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था कि बुक्स को हम मतलब बुक रीडिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, रीडिंग राइटिंग और ये स्पीकिंग के बारे में हम बात की थी। और फरहान भाई की जो टॉप फाइव बुक्स थी वो उन्होंने बताई थी, और फर्स्ट बुक जो थी वो 12 रूल्स फॉर लाइफ बाय डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन थी, और उसके बारे में हमने बातचीत की थी। और आज जो है वो उनकी बाकी चार बुक्स में से हम देखते हैं कितनी कवर्स हो सकती हैं। और उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो हम जिस लोकेशन पे बैठे हैं ये ज़बील पार्क है दुबई में, करामा जो एक जगह है यहाँ, अगर आप दुबई में या यूएई में रहने वाले आपको पता होगा, पुरानी जगह है और बहुत ही मतलब काफ़ी बड़ा पार्क है और बहुत खूबसूरत ग्रीनरी जो है वो तो अमेजिंग किस्म की है। अभी रिसेंटली एडिशन यहाँ ये हुआ है कि यहाँ दुबई फ्रेम भी बन चुका है और काफ़ी अच्छी जो है ना टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस बन चुकी है। और अभी जो फरहान भाई हैं, थैंक यू सर, वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन, मोस्ट वेलकम। और पहली वीडियो का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, पॉजिटिव रिस्पॉन्स, और उसके लिए भी आप सबका थैंक यू सो मच। और कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आज हम आई थिंक सो कितनी बुक्स कवर कर सकेंगे? देखते हैं क्योंकि जब आप किसी एक चीज़ के ऊपर बात करते हो तो उसको बहुत सी मुश्किल चीज़ों को आप दो जुमलों में सम अप नहीं कर सकते या चार जुमलों में, बट विल ट्राई टू बी ब्रीफ। हम थोड़ा सा इसको कम करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी जो ऑडियंस है उनको भी समझ लगे, उनको मैसेज उन तक पहुंच जाए। बाकी जहाँ तक उन्होंने किताब पढ़ने का ताल्लुक है वो खुद ही पढ़ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको मैसेज जो है वो पहुंच जाएगा। सही है। तो आज जो सेकंड बुक है उसका आप इंट्रोडक्शन वगैरह और बता दें उसके बारे में। ये जो दूसरी बुक है जिसका मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, ये बहुत कम लोगों का इस किताब को मालूम है, क्योंकि ये किताब मुझे खुद भी बड़े अनयूजल सोर्स से मुझे मिली थी। I was going through a very difficult times. तो उसके अंदर मैं ज़ाहिर बात था, वो सर्चिंग ऑनलाइन के यार why people are unhappy, आपका ज़िंदगी जीने का मकसद क्या होता है, क्यों कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको यानी कि समझ नहीं आ रही होती हैं, और अगर आपने ज़िंदगी को फॉर एग्ज़ाम्पल की अगर आपने समझने की कोशिश करनी है तो क्या करना है आपने? सही है। तो as I was going through it, I came across a page and there was one book जिसका नाम है Zen and the Art of Motorcycle Maintenance by Robert Persick। Wow. अब बड़ा ये अजीब सा टाइटल है, ज़ेन इन द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस का। मैं आपको ये बताना चलूँ कि ज़ेन क्या होता है। ज़ेन एक बुद्धिस्ट टर्म कह लें आप, या एक ईस्टर्न टर्म कह लें। ज़ेन का मतलब है कि जब आप कंप्लीटली अंदर बाहर से और दुनिया से जब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है एंड यू आर एट पीस, दैट मोमेंट इज ज़ेन। आप कंप्लीटली सिंक हो जाते हैं। जैसे मैं ज़ेन को यहाँ तक भी कह दूँ कि जब आप नमाज़ पढ़े होते हैं आपको पता ही नहीं चलता कि अभी क्या वक्त है क्या नहीं है, आपका रابطہ जो है वो खुदा के साथ आप कनेक्टेड है और आपको दुनिया में कुछ पता नहीं चल रहा होता कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। सही है। कुछ मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो मस्जिदों के अंदर है, सीरिया के अंदर, जॉर्डन के अंदर, फलस्तीन के अंदर, बाहर गन फायरिंग हो रही है, बॉम्ब्स गिर रहे हैं, बट लोगों को पता ही नहीं है, वो नमाज उस कंसंट्रेशन से पढ़े हैं कि उनकी माइंड बॉडी उनका बिलीफ सब एक सिंक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उस मोमेंट को आप ज़ेन कह सकते हैं। एंड ज़ेन तो समझ आ गया। अब मोटरसाइकिल मेंटेनेंस कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। सही है। सबके पास मोटरसाइकिल है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, उसकी मेंटेनेंस भी कराते फिरते हैं लोग, मैकेनिक भी हैं। बिल्कुल। अब ज़ेन का मोटरसाइकिल मेंटेनेंस के साथ क्या ताल्लुक है वो इस किताब के अंदर है, और वो किताब लिखी है रॉबर्ट पर्सिक ने। सही है। अब रॉबर्ट पर्सिक एक ऐसा आदमी था हु वाज अ जीनियस, उसका आईक्यू वाज 140। और हमारे जो व्यूअर्स हैं जिनको आईक्यू के बारे में अगर थोड़ी बहुत ही तो इन्फॉर्मेशन है, तो अगर आपका 140 लेवल आईक्यू है दैट मींस दैट यू आर हाइपर जीनियस दुनिया के अंदर। नॉर्मल जनरल पब्लिक का आईक्यू लेवल कितना होता है? आपका जो आईक्यू लेवल है वो एक बेल कर्व फॉर्म करता है, और आपका जो आईक्यू लेवल इन लाइक अ नॉर्मल लाइक पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, वो 85 पॉइंट से लेके 105 पॉइंट्स तक होता है। सही। अगर आपका आईक्यू 85 से 105 पॉइंट्स के बीच में है तो इसका मतलब है कि यू हैव लाइक एवरेज इंटेलेक्ट। आप कोई चीज सीख सकते हैं, किसी चीज को समझ सकते हैं,
अगर आपके सामने कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल है आप उसको पढ़ सकते हैं, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी कहते हैं उसको, आपके जो दिमाग की जो ताकत होती है जिसके अंदर आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसको उसको कॉग्निटिव एबिलिटी कहते हैं। वो कॉग्निटिव एबिलिटी इज लाइक गुड, नॉट बैड, नॉट एक्सीलेंट, गुड। तो आपकी जो 60-70% दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो बेल कर्व के उस हिस्से में फॉल करती है बिटवीन 85-105। एनीथिंग लोअर देन 85 अनफॉर्चुनेटली इट्स लाइक अ जेनेटिक लॉटरी, जैसे आपकी लॉटरी निकली है, कभी आप जीते हैं कभी आप हारते हैं। अगर आपकी 85 से कम आई किया है तो इसका मतलब है कि आप कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं कर सकते। आप मैक्सिमम ये काम कर सकते हैं कि आपने ग्रोसरीज शॉपर में डालनी है इन द स्टोर, नॉट इफ देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, वो भी हार्ड लेबर है, करना चाहिए, लोगों की रोजी रोटी है। ये नहीं कह रहा कि वो गलत काम है, बट एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि वो बेसिक काम है, डे टू डे रिपीट होना है, उसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। तो 85 से जिनका आई क्यू कम होता है तो अनफॉर्चुनेटली वो डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब अगर वो देखते हैं कि यार ये डिफिकल्ट है फौरन भाग जाते हैं, वो कर ही नहीं सकते ना, उनकी एबिलिटी नहीं होती, नेचुरली नहीं होती। अब जिनका आई क्यू 105 से प्लस होता है, लाइक दे आर स्मार्ट, यानी कि दे कैन डू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, दे आर गुड इन मैथ्स, दे आर गुड इन फिजिक्स, दे आर गुड इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, बिकॉज उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी, जो माइंड है वो उस लेवल पे ट्यून होता है कि वो मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं और समझ जाते हैं और अंडरस्टैंड कर जाते हैं। सबसे जो जो इंपॉर्टेंट बात है अंडरस्टैंड कर जाते हैं। रॉबर्ट पर्सर का आई क्यू 140 था, जो कि 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन का होता है। एंड दोज आर द पीपल जो के दे आर लाइक सुपर स्मार्ट, दे आर लाइक हाइपर स्मार्ट, उनको वो यहीं पे बैठे बैठे, आई एम नॉट जोकिंग, वो यहाँ पे बैठे बैठे इंटरलॉक की ब्रिक्स काउंट कर लेंगे जस्ट बाय जजिंग द एरिया, कि ये इतना एरिया है, यहाँ पे इतनी ब्रिक्स लगी होंगी, गिव और टेक 5 or 10। वाओ, उनकी एबिलिटी उस किस्म की है। अमेजिंग। अनफॉर्चुनेटली इट हैज अ डाउनसाइड, एंड द डाउनसाइड इज जब आपको चीजों को बहुत ज्यादा समझ आना शुरू हो जाती है फिर आपकी चीजों के अंदर इंटरेस्ट खत्म हो जाती है। जो नॉर्मल पब्लिक के लिए बहुत अट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं वो उनके लिए बिल्कुल आपके लिए नॉर्मल है। ये दो धारी तलवार है, इसका फ़ायदा भी है और इसका नुकसान भी है। और नुकसान इसका ये है कि आपको हर चीज़ का जब जवाब आपके सामने आपको मिल जाए तो उस चीज़ की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है। इम्पोर्टेंस चीज़ों की तब आपके सामने आती है जब यू आर ट्राइंग टू एंगेज इन टू समथिंग, कि यार मैंने ये सॉल्व करना है, मैंने ये करना है, जब वो ही खत्म हो जाए, बिल्कुल इट्स गॉन, इंटरेस्ट इज गॉन। दैट वाज रॉबर्ट पर्सक। उसने उस किताब के अंदर बेसिकली सवाल ये उठाया कि क्वालिटी क्या है। पूरी किताब उसका एक सफर है, अच्छा, इन सर्च ऑफ क्वालिटी। अगर आप कहते हैं कि जी जिंदगी के अंदर कि यार मुझे इस काम में क्वालिटी चाहिए, सही है, क्वालिटी से क्या मतलब है आपका? क्वालिटी डिफाइन कर सकता है कोई? आपकी जितनी भी कंपनीज हैं वहां पे क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी कंट्रोल चेक्स हैं, मतलब स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स हैं। बट आप ये नोट करें कि जो एक स्टैंडर्ड 10 साल पहले था आज स्टैंडर्ड चेंज हो गए हैं, बिल्कुल चेंज हो गए, 10 साल बाद फिर स्टैंडर्ड चेंज हो जाएंगे। अगर क्वालिटी फिक्स्ड क्वांटिटी होती तो फिर वो चेंज क्यों हो रही है? बिल्कुल। आप चीजों को बेहतर से बेहतर क्यों बना सकते हैं? आखिरकार एक लिमिट होती है ना कि जी इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। आज हम यहां बैठे हुए हैं, खूबसूरत पार्क है, बहुत खूबसूरत जगह है, बट ये भी इम्प्रूव हो सकता है और ये होगा और ये करते हैं दुबई के अंदर। अभी रिसेंटली हुआ ना कि मतलब दुबई फ्रेम बन गया। एग्जैक्टली, यहाँ पे पहले ये नहीं था और अब दुबई फ्रेम यहाँ बना हुआ। तो उस पूरी किताब के अंदर उसने ही वॉज इन सर्च ऑफ क्वालिटी एंड बाय मैपिंग द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अ मोटरसाइकिल उसने क्वालिटी को डाइसेक्ट किया कि मोटरसाइकिल मेंटेनेंस से आप क्वालिटी का मतलब कैसे निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो ये कहता है कि आपका जो मोटरसाइकिल है वो बहुत ज़्यादा बिल्डिंग ब्लॉक्स में बना हुआ है। ओके, आपका ड्राइव ट्रेन है, आपका इंजन है, आपकी वायरिंग है, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो नेटवर्क है, ठीक है, आपका लुब्रिकेशन सिस्टम है, ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सही है। जब आप मोटरसाइकिल बना रहे होते हैं, जो डिज़ाइनर होता है उसके माइंड में मोटरसाइकिल तो होता ही होता है, बट वो हमेशा बिल्डिंग ब्लॉक से स्टार्ट करता है।
जैसे ईंट नहीं आती, बिल्कुल बिल्कुल, ईंट ईंट से ईंट बनती है और एक बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, एंड में आपको बिल्डिंग नजर आती है। वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, वो आपस में बिल्डिंग ब्लॉक्स जब आप बनाना शुरू करते हो और आपस में उनको कनेक्ट करते हो, वो उनका कनेक्शन हमेशा सिंक में तभी आता है जब आप उसके अंदर क्वालिटी डालो। अब फिर वो अपनी ही किताब के अंदर अपने आप ही के साथ बहस करता है, अच्छा, कि अगर क्वालिटी डालनी चाहिए तो क्वालिटी क्या है। वो फिर उसी की पूरी किताब क्वालिटी की तरफ है कि भाई क्वालिटी को आप अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं। ठीक हो गया। मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि इस किताब के बारे में स्पेशली, कि इस किताब को अगर आपने पढ़ना है और अगर आपको इसके अंदर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है, तो काइंडली आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड होना ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ फिलॉसफी, क्योंकि इस किताब के अंदर जब वो क्वालिटी को डाइसेक्ट कर रहा होता है तो वो बात करता है सोक्रेटिस की फिलॉसफी की, प्लेटो की फिलॉसफी की, एरिस्टोटल की फिलॉसफी की, ही टॉक्स अबाउट नीचे, ही टॉक्स अबाउट यंग, ही टॉक्स अबाउट जो फेमस जो आपके जो साइकोलॉजिस्ट आपके जो फिलोसोफर्स जो थियोलॉजियंस जो पास हुए हैं, जो थिंकर्स जो आपके पास हुए हैं, उनकी उसने यानी कि बैकग्राउंड्स बताई और सारों को डाइसेक्ट किया कि यार वो ये कह रहा था, वो ये कह रहा था, वो ये कह रहा था, बट मुझे ये समझ आई। अच्छा। तो जब आप ये किताब पढ़े होंगे तो अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आपके लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। अगर आप इसके बारे में अगर आपको सरफेस लेवल भी नॉलेज है तो आपके लिए किताब बड़ी जो है बड़ी अच्छी साबित होगी। और एंड के अंदर मैं ये स्पॉइल नहीं करूंगा बिकॉज उसका जो नैरेटिव है बाय द वे बड़ा यूनिक सा नैरेटिव है। अच्छा। कि उस किताब के अंदर स्टोरी किस स्ट्रक्चर से चल रही है बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं वो नहीं बताऊंगा आपको बिकॉज इट्स लाइक अ सरप्राइज फॉर द रीडर्स। बट एक चीज मैं कहूंगा कि उसने सारी चीजें तलाश करने के बाद उसने ये नतीजा ये निकाला कि क्वालिटी कोई एंटिटी नहीं है जो एग्जिस्ट करती और आपने उसको ढूंढना है। सही सही। क्वालिटी हमेशा एक ही जगह पे है, वो है आपके दिल के अंदर, इट्स इन योर हार्ट। और क्वालिटी जाहिर तब होती है जब आपकी जिंदगी, जब आप अपनी जिंदगी के अंदर खुद क्वालिटी लेके आओ। होती है लेकिन आपने उसको डिस्कवर करना है और मतलब लेके आना, यानी कि बाहर नहीं है वो, आपको तलाश करने से नहीं मिलेगी, बिल्कुल वो इधर है, अंदर है। और मैं हैरान होता हूं कि कैसे जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं और जो ईस्टर्न थिंकर्स हैं और हमारे, उनकी सोच कितनी मिलती है। रॉबर्ट पर्सर कहता है क्वालिटी को अपने अंदर तलाश करो, बाब बुल्ले शाह कहता है कि अपने नफ्स से जंग करो, अपने अंदर देखो, अपने अंदर झांको, खुदा को देखना है अपने अंदर झांको, शैतान को देखना है अपने अंदर जागो। ये तो हमने कई मरतबा पढ़ा, सूफी जो आपकी जो फिलॉसफी है, आपका जो सूफी स्कूल ऑफ थॉट है, इवन आपके जो रिलीजियस थिंकर्स हैं, वो सारे यही कहते हैं। सबसे बड़ा जिहाद कौन सा है? नफ्स का जिहाद। इस्लाम के अंदर सबसे बड़ा जिहाद नफ्स का जिहाद है, बिल्कुल। अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन अपनी किताब द गुलाग आर्किपेलागो के अंदर ये लिखता है कि द लाइन बिटवीन गुड एंड ईवल कट्स थ्रू द हार्ट ऑफ एवरी ह्यूमन बींग। एग्जैक्टली। अब इस जुमले के अंदर और उस जुमले के अंदर क्या फर्क है? वन एंड द सेम थिंग, वर्ड्स का डिफरेंस है, खाली अल्फाज मुख्तलिफ हैं, उसका जो एसेंस है वो एक ही है। बिल्कुल। और मोटरसाइकिल मेंटेन खूबसूरत तरीके से आप तभी कर सकते हो जब आप अपनी रूह को मेंटेन करो। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे अगर मैं बैठ के अभी हम बात कर रहे हैं, हम अपने व्यूअर से कुछ बताना चाह रहे हैं, अगर मेरी जिंदगी के अंदर जो भी मैं काम कर रहा हूं अगर वो चीज रिफ्लेक्ट ना करे तो मैं उसको बाहर किसी काम के अंदर उसको रिफ्लेक्ट करता हुआ नहीं देख सकता, वो नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब मोटरसाइकिल मेंटेन कर रहे हैं, जो मैकेनिक है उसकी पूरी कंसंट्रेशन उस चीज के ऊपर होती है। बिल्कुल। अगर वो डीजल टैंक के ऊपर या अगर आपके पेट्रोल टैंक के ऊपर काम कर रहा है तो उसके माइंड के अंदर पेट्रोल टैंक के साथ साथ उसकी लाइंस का भी माइंड में आ रहा है कि यार ये लाइन यहां से जा रही है, ये अभी मैं टैंक तो खोल रहा हूं, यार यहां पे कोई चीज तो नहीं है बट पीछे वहां कोई चीज होगी, तो उसका माइंड इज ऑलवेज वर्किंग। अगर उस, सारा स्केच जो है ना बना, पूरा स्केच बना हुआ है
और आप नोट करें कभी आप लोग जब अपनी गाड़ियों को मेंटेन कराने जाएं या मोटरसाइकिल्स को और किसी मैकेनिक के साथ ज़रा जाके ट्राई कीजिएगा, जब कोई काम कर रहा हो तो आप उसे कहें क्या मसला है, क्या मसला है, क्या मसला है, वो कहेगा या तो मुझे काम करने दे या तो तू कर ले सही है, या तो वहाँ जाके बैठ जा। हाँ बिल्कुल। क्यों करता है? बिकॉज ही इज लॉक्ड इन टू इट, ही इज ट्यून्ड इन टू इट। और ये आई थिंक ये उन मैकेनिक्स की के अंदर आपको मिलेगी कि जो कि लाइक हाईली प्रोफेशनल हैं, ये गली कूचे वाले आई थिंक उनमें ये बात नहीं मिलेगी आपको। उनके अंदर भी प्रोफेशनल्स हैं बट आपने देखना है उनको सही छोटी छोटी चीज़ों से। देखे ना, प्रोफेशनल का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप अपनी जनाब वाला 2 एकड़ का वेयर हाउस के ऊपर आप अपनी शॉप बना के बड़े खूबसूरत से कपड़े पहन के आप आ जाओ और कहो कि जी मेरे पास आए काम करो, मेरे पास तो यहाँ क्वालिटी है। बज़ाहिर तो क्वालिटी नजर आ रही है आपको बट उसके अंदर क्वालिटी है या नहीं है। मैं क्वालिटी का एग्जाम्पल, मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ कि एक्सेल पे तो सारे काम करते हैं, स्प्रेडशीट्स पे सारे काम करते हैं। अब मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने एक स्प्रेडशीट बनानी है जिसके अंदर आपने स्कूल के बच्चों का नाम लिखना है, एक क्लास के बच्चों का, आगे उसका रोल नंबर लिखना, बस नॉर्मल, ठीक है, कॉलम्स रोज सिंपल। कुछ लोग होंगे जो कहेंगे यार ये तो बहुत आसान काम है, वो बेसिक सा लिख के आपको दिखा देंगे मैंने एक्सेल शीट बना ली। कुछ लोग हैं कि जिनके जिनको अंदर उनकी क्वालिटी रिफ्लेक्ट करती है वो क्या करेंगे, वो पहले एक्सेल शीट की रोज का साइज सेम करेंगे, फॉन्ट अपनी मर्जी का डालेंगे, फॉन्ट का साइज यूनिफॉर्म करेंगे थ्रू आउट द शीट, फिर जब 2 हेडिंग्स डालेंगे कॉलम्स के अंदर उसको बोल्ड करेंगे, उसके अंदर कलर्स डालेंगे, फिर जो फिर अच्छा वो कहेंगे यार सीरियल नंबर भी होना चाहिए। अब आपने तो नहीं कहा कि सीरियल नंबर भी डालो, वो एक्स्ट्रा एक सीरियल नंबर डाल देंगे, बच्चों के नाम डालेंगे, सीरियल नंबर स्ट्रेट लिखेंगे, नाम को बोल्ड कर देंगे, रोल नंबर आगे लिखेंगे, शायद एक एक्स्ट्रा कमेंट भी डाल दें। तो जब उनका प्रिंट निकलेगा शीट का, इट्स यूनिफॉर्म, इट्स कलरफुल, इट्स इट्स गुड फॉर द आईज, देखने में भी अच्छा लगता है। वो प्रिंट प्रीव्यू के अंदर जाके कॉलम सेट करके कि यार जब प्रिंट आए तो ऐसे निकले। बिल्कुल। कुछ लोग हैं जब वो ये बेसिक सा करके प्रिंट मारेंगे, प्रिंट भी 2 सफ़ों के ऊपर आए, 2 सफ़ों के आधी लाइन जो है, आधी लाइन कहाँ जा रही है, आधी लाइन कहाँ जा रही है, ये डिफरेंस होता है। दैट्स क्वालिटी। क्वालिटी वो परसूट है जिसके पीछे आपने जाना है, आप उसको शायद कभी पा ना सके बट जितना आप उसके पीछे जाएंगे यू विल बिकम अ बेटर मैन देन यस्टरडे। और इसको मैं कंपेयर करूंगा अपनी पिछली किताब के साथ, 12 रूल्स ऑफ लाइफ के अंदर एक रूल है कि ऑलवेज कंपेयर योरसेल्फ टू समवन हु यू वर यस्टरडे, नॉट समवन एल्स हु इज टुडे। और इसके अंदर भी वही मकसद है कि आपने अपने आप को अपने आप के साथ जो है आपने मुकाबला करना है। और एक आखिरी बात इस किताब के बारे में, जेन एंड द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस के अंदर उसने जो पूरी किताब का जो खुलासा है वो इस जुमले के अंदर है जो मैं आपको बताने लगा हूं, और वो ये है कि द जेन यू आर लुकिंग फॉर एट द टॉप ऑफ द माउंटेन यू डोंट ब्रिंग इट अप देयर, यू विल नेवर फाइंड इट अप देयर, द जेन इज ऑलवेज विद यू इनसाइड ऑफ यू। आप सोच रहे हैं कि मैं पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाऊंगा, वहां मुझे अमन मिलेगा, सुकून मिलेगा, मैंने वहां जाना है, मेरी मंजिल वहां है, मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो मुझे सुकून मिलेगा। बट सुकून आपको वहां नहीं मिलेगा, सुकून हमेशा आपकी जात के अंदर है जो आपके साथ ही चला आ रहा है बट आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया हुआ। द ज़ेन दैट यू आर लुकिंग फॉर इज ऑलवेज इनसाइड ऑफ यू, इट्स नॉट अप देयर। चाहे आप पहाड़ की चोटी पे चले जाएं, चाहे आप गार में चले जाएं, वो आपके साथ ही है, वो आपके साथ है। दैट्स ज़ेन एंड द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस एंड आई हाईली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू गाइस टू गिव इट अ लुक, चेक इट आउट। मैं मानता हूं कि थोड़ी सी डिफिकल्ट बुक है एक एवरेज रीडर के लिए बट इट्स वर्थ इट। ऑलराइट, तो हमारी 2 बुक्स कंप्लीट हो चुकी हैं। यस, लेट्स गो टू थर्ड बुक। थर्ड बुक, हमारी जो ऑडियंस है स्पेशली हम जब बचपन से, मैं अपने क्लासरूम्स के अंदर, अपने फैमिली के अंदर लोगों के साथ डिस्कशन करते हुए हम एक चीज़ क्या है कि बड़े हुए हैं और यह हमारी एक ओपिनियन है एक चीज़ के बारे में, वो ये और वो ये है, और आप सब जानते हैं कि
کہ یہ چیز شاید آپ نے بھی زندگی کے اندر کہیں سنی ہو یا خود کی ہو, وہ یہ کہ جو ہولوکاسٹ ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جو جیوز کے ساتھ ہوا تھا, یہ سب بکواس ہے, یہ سب میتھ ہے, کچھ نہیں ہوا تھا اتنا, اور یہ جیوز چونکہ دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں تو اسی لیے وہ ایک انہوں نے کہانی گڑ دی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. یا تو ایک یہ ویو پوائنٹ ہوتا ہے لوگوں کے اندر, یا ایک دوسرا ویو پوائنٹ ہے جو انفارچونیٹلی مجھے بڑا اب افسوس ہوتا ہے کہ کیونکہ اس کا گناہ گار میں ہوں. میں یہ کہتا تھا کہ جی جو بھی ہٹلر نے کیا بالکل ٹھیک کیا جی, مارو ان کو, ہٹلر سے زیادہ تھا, ہٹلر چیمپئن تھا. میرا خیال ہے اس سے زیادہ, یعنی کہ اگنورنٹ بات میں نے کبھی زندگی میں نہ سنی ہے نہ میں نے کبھی, یعنی کہ میں نے ایکسپیرینس کی. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کے اندر خاص طور پہ یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اور شاید میں اس کا قصوروار میں ہم لوگوں کو بھی زیادہ نہیں ٹھہراؤں گا, کیونکہ نہ ہمیں پڑھنے کی عادت ہے, اگین جیسے ہم لاسٹ ٹائم بات کر رہے تھے, نہ ہمیں سکولز میں کچھ بتایا جاتا ہے, ہمیں خالی کوشش کتابوں کے علاوہ بات نہیں کرتے. تو میں نے جب انفارچونیٹلی میں نے جب اس چیز کو پڑھا اور اسٹڈی کیا, میں نے ہٹلر کی آٹو بایوگرافی پڑھی, مائن کامف, بائی دا وے مائن کامف, جس کا مطلب ہے جرمن کے اندر مائن کامف از مائی اسٹرگل, وہ ہٹلر نے اپنی زندگی کے اوپر لکھی تھی کہ اس نے کیوں کیا جو کیا. اس سے ہٹ کے مجھے ایک تو وہ پتہ چلا کہ وہ اس نے کیا چیزیں کی. ایک کتاب میری نظر سے گزری, اور یہ ریسنٹلی گزری بائی دا وے, یہ میں نے کافی عرصے پہلے نہیں پڑھی, ریسنٹلی گزری, اور یہ میری ٹاپ فائیو بکس کے اندر تیسرے نمبر پہ, اور اس کتاب کا نام ہے مینز سرچ فار میننگ بائی ڈاکٹر وکٹر فرینکل. چھوٹی سی کتاب, صحیح ہے, 140-150 صفحے. ڈاکٹر وکٹر فرینکل آسٹریا کے اندر واز اے نیورو سرجن, اے سائیکالوجسٹ, اے سائنٹیفک مین. اس کو اس کے جب جرمنی نے آکیوپیشن شروع کی آسٹریا کی, تو اس کو موقع ملا کہ میں ملک چھوڑ کے چلا جاؤں. صحیح. اس کے ماں باپ نے بھی کہا کہ جی ہم سارے چلتے ہیں, تم چلے جاؤ. تو ہی ڈیسائیڈ ناٹ ٹو گو, ہی ڈیسائڈ ٹو اسٹے دیر. اس نے کہا کہ جو بھی ہمارا ہے میں یہیں بھگتاؤں گا, میں نہیں جاتا. ایونچولی ہی واز کاٹ بائی دی نازیز اینڈ ہی واز پٹ ان دا کانسنٹریشن کیمپ ان آشوٹس. اب آشوٹس, اگر اس دنیا میں انسانیت کی تذلیل اگر ہوئی ہے تو وہ آشوٹس کے اندر ہوئی ہے. اور یہ بندہ وہاں تھا, اور یہ بندہ وہاں تھا, اور اس نے سروائیو کیا وہاں پہ, اور وہاں سے نکلا. اور مین سرچ فار میننگ میں اس نے ان 130-140 صفحوں کے اندر یہ بتایا کہ انسان کیا ہے, واٹ میکس اس ہیومن اینڈ واٹ میکس اس اینیملس. مین سرچ فار میننگ از دی ایکسپلوریشن آف دا ڈیپتھ آف دا ہیومن سول. میں نے بھی آپ کو ایک لائن بتائی تھی نا جو سولجنیتسن نے کہا تھا کہ دا لائن بٹوین گڈ اینڈ ایول کٹس ٹو دا ہارٹ آف ایوری انڈیویجول. بالکل, وہ چیز وہاں پہ ظاہر ہوئی آشوٹس کے اندر. ٹرین کا ڈبہ ہے, 4x4 کا کیبن ہے, 4x4 36 بندے اس کے اندر ہیں, 36 ان اے اسپیس آف 4x4 15 دن لگتے ہیں آشوٹس کیمپ پہنچنے میں. تو 15 دن بندے کے اوپر بندہ سٹیک ہوا ہوا ہے, سانس لینے کی بھی جگہ نہیں ہے, ان کو کھانا نہیں دیا جاتا, ان کو پانی نہیں دیا جاتا, کیونکہ اگر ان کو کھانا دیں گے پانی دیں گے تو باتھ روم جانا پڑے گا, باتھ رومز ہیں نہیں. لوگ کیا کرتے تھے, جب ان کو واش روم جانا ہوتا تھا تو اپنا جوتا اتارتے تھے, جوتا اتار کے اس کو فولڈ کر کے, کینوس بوٹ ہوتا تھا, اس کو فولڈ کر کے ایک سلینڈر بنا کے وہ پاس آن کرتے تھے ٹو آنسر دا کال آف نیچر بٹوین, چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو.
अब तकरीबन एक ट्रेन के अंदर 8-10 बोगियों के अंदर कोई 4,000 से 5,000 आदमी हैं, एक ही किस्म के उन्होंने कपड़ा पहना हुआ है, स्ट्राइप्ड सिल्वर एंड वाइट, उनके हाथ के ऊपर टैटू बना हुआ है और वो टैटू के अंदर खाली नंबर है। अच्छा, और वो उनकी आइडेंटिटी है, ना उनका नाम है, ना उनकी प्रॉपर्टी है, ना उनका कोई वैल्यू है, वो इंसान नहीं है, वो खाली एक नंबर है। ट्रेन रुकती है ऑशविट्स कैंप के बाहर, 10,000 से 15,000 बंदों का कैंप है, ठंड इतनी है कि दिन और रात और बर्फबारी हो रही है, -15, -10 टेम्परेचर है, पहनने के लिए जूते नहीं है, एक ही कपड़ा, वो लेके सारों को उतारा जाता है, लाइन बनाई जाती है और लाइन जा रही है दूर तक, गार्ड्स खड़े हैं चारों तरफ, नाजीस, जो भी बंदा आ रहा है, एक हेड सुप्रिटेंडेंट है और वो कह रहा है राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, ऐसे ही रैंडम, आप उसको पसंद आ गए हैं राइट, आप उसको पसंद नहीं आए लेफ्ट। सही हो गया। अब होता क्या है, जो राइट वाले हैं वो बच जाते हैं, उनको कैंप्स में डाल देते हैं, कंसंट्रेशन कैंप्स में, और जो लेफ्ट वाले हैं अनफॉर्चुनेटली किस्मत उनका इंतजार कर रही होती है इन फॉर्म ऑफ अ चिमनी एंड अ स्मोक। ऑशविट्स में बॉयलर्स लगे होते थे जिनके अंदर लोगों को धक्का डाल के डाला जाता था और उनके अंदर उनको जला के उनकी राख जो है खाली स्मोक निकल रही होती थी, क्योंकि दफनाने के लिए ना बंदे थे ना दफनाने के लिए ज़मीन थी, उनको ज़िंदा जला देते थे। अब आप ये समझते हो कि जिनको मारा गया है वो बेचारों के साथ ज़्यादती होगी, एटलीस्ट यू गॉट टू लिव, बट इन विक्टर फ्रैंकल्स एक्सपीरियंस लेफ्ट साइड वाला ज़्यादा सुकून था, एटलीस्ट मर तो गए थे एक ही दफा मर गए, राइट साइड के ऊपर तो आपका टॉर्चर शुरू हो रहा है और वहां से आपकी कैंप्स के अंदर जिंदगी शुरू होती थी। कैसे होती थी, आप अंदर एंटर हुए, अगर आपने इंसान को ह्यूमिलिएट करना है, और ये हमारे माशरे में बाय द वे होता भी है, लोग मूंछ काट देते हैं। हाँ, एक मर्द की सबसे जो ह्यूमिलिएटिंग चीज जो आप उसके साथ कर सकते हैं, आप उसकी मूंछ काट दो, इट्स ह्यूमिलिएटिंग। वहां पे क्या करते थे कि रेजर्स लेके लोग बैठे होते थे, बंदे आ रहे हैं, सर के बाल खत्म कर दो, मूंछ वगैरह दाढ़ी सब काट दो, सब बाल खत्म, जो आपने जो कहते हैं ना कि मूंछ नहीं तो कुछ नहीं। हाँ, अब आप समझते हैं कि जी बाल काटने से क्या फर्क पड़ता है, डजंट मैटर, गंज तो हम भी कराते हैं। आप जब हज पे जाते हैं आप अपना सर मुंडवाते हैं, यू शुड शेव योर हेड राइट, व्हाई, हैव एनी ऑफ यू थॉट अबाउट इट, जो आपके जो मतलब जो आपने लाइफ पहले गुजारी है गुनाहों के अंदर, तो आई थिंक वो है कि शेव करेंगे तो आपके वो गुनाह जो है ना उसमें भी काफ़ी जड़ जाएंगे। दैट्स वन अंडरस्टैंडेबल व्यू, समझ आती है एंड इट्स अ प्लॉजिबल व्यू, बट यू नो इसका इस्लामिक थियोलॉजी के अंदर इसका मकसद, सर मुंडवाने का मकसद थोड़ा सा कुछ और है। और वो ये है कि जब आप अपने सर मुंडवाते हैं, You are signifying to God that I am nothing. मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं देखो अपने बालों का सर मुंडवा के, अपने बाल कटवा के, ह्यूमिलिएट होके मैं तुम्हारे पास आया हुआ हूँ। सही हो गया, बिल्कुल समझ आ गई, यही असल इसका एसेंस जो है वो ये बनता। और जब कोई इंसान किसी के जबरदस्ती उसके फ्रीडम, वहां तो चलो आप अपनी मर्जी से खुदा के सामने जा रहे हैं ना, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बट अगर यही काम आपकी मंशा के खिलाफ कोई इंसान करे और इस जरिए से करे कि अब मैं तुझे जलील करूंगा, उससे ज्यादा टॉर्चरिंग चीज कोई नहीं हो सकती। और सबसे पहला काम उनको करते ये थे कि देखो हमने तुम्हारे सर के बाल मुंड दिए हैं, हम मूंछ मुंड दिए, कंप्लीट खत्म कर दिया, वी शेव्ड एवरीथिंग, बिकॉज You are our property. You are nothing. You are just an insect for us. और वहां से उनको कैंप्स के अंदर डाला जाता था।
ना खाने के लिए ना पीने के लिए। और आई थिंक सो जो उनका आगे जर्नी है ना उस हिसाब से ये बाल मुंडवाना ये एक छोटी सी चीज़ लग रही है मुझे, जैसे उनके साथ जो आगे टॉर्चर होने वाला है। बट समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी कि क्या होगा उनके साथ। बट यहाँ पे विक्टर फ्रैंकल ये कहते हैं, और मैंने जितनी भी स्टडी की है कि इंसान किस हद तक जा सकता है और दुनिया के अंदर कितने ईवल्स हैं, इंसान फिजिकल टॉर्चर बर्दाश्त कर लेता है, साइकोलॉजिकल टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो कहते हैं मुझे मारो जितना मर्जी मारो, बट अगर आप को तोड़ना है ना किसी को, किसी को अगर तोड़ना है तो आप उसको साइकोलॉजिकली मार दे दो। जेलों के अंदर मारते नहीं है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट्स होती हैं, कल्ला बंद कर देते हैं काल कोठड़ी के अंदर, क्योंकि अगर इंसान हो किसी को तोड़ना है उसको अकेला कर दो दुनिया से अलग बैठा, वो अकेलेपन में ही मर जाएगा। फिजिकल टॉर्चर बंदा बर्दाश्त कर जाता, साइकोलॉजिकल टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करता। और मेरे हिसाब से, इन माय हम्बल ओपिनियन, आप लोग काम पे जाते हैं, बिल्कुल एक वैल्यू है काम की, ठीक है। मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ, आई विल गेट समथिंग इन रिटर्न, व्हेन आई विल गेट समथिंग इन रिटर्न आई विल डू दैट वर्क हैप्पीली। एक तो मुझे कुछ मिल रहा है, एट द सेम टाइम कंपनी का काम हो रहा है, एट द सेम टाइम दुबई के अंदर एक नई बिल्डिंग बन रही है, इट्स लाइक ऑल मूविंग पीसेस टुगेदर। बट अगर आपको मजबूरी के अंदर वो काम करना पड़ जाए जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो इंसान को तोड़ देती है। और ऑशविट्स के अंदर क्या करते थे कि 10 किलो का नमक की बोरी होती थी, उसको गीला करते थे और कहते थे इस कोने से लेके वहां उस कोने तक ले जाओ, और लोग लेके जाते थे और कहते थे अब वहां से यहां ले जाओ बिला मकसद, ऐसे ही बिला मकसद, और लोग टूट जाते थे। बट और वहां पे लोग ऐसे मरते थे जैसे मक्खियों की तरह, राइट लेफ्ट एंड सेंटर, और जो मरा उठा के उन्होंने लाशें जो है ना जला बॉयलर में डाल दी। अच्छे अच्छे इंसान, हेल्दी इंसान, वो मर जाते थे क्योंकि उनके पास जीने की कोई वजह नहीं थी। मैन सर्च फॉर मीनिंग के अंदर फ्रैंकल ने यह कहा है कि इंसान के पास अगर जीने का मकसद हो तो वो दुनिया की हर तजलील बर्दाश्त कर सकता है। एक मकसद होना चाहिए। और इसकी, शायद इसकी छोटी सी मिसाल यहाँ जो लेबर आती है, हम तो चलो ऑफिसेज में हैं, हमारा सीन अलग है। मैंने लेबर्स देखे हैं सोते पता कैसे हैं, अपना जूते के ऊपर सर रख के सो रहे होते हैं, उनकी हालत खराब, पसीना भी तो मौसम ठीक है, जो पसीने के साथ अब खुद को अपनी स्मेल आती है ना, और बंदा मतलब हम तो कहते हैं छी छी, उनके लिए कुछ भी नहीं है ये। और जो उनके साथ मतलब वहाँ पे होता है, मतलब इट्स हॉरिबल राइट, वी नो इट्स हॉरिबल राइट, और उनके पास एक मकसद है, बट एक मकसद, बेटा पढ़ रहा है इंजीनियरिंग कर रहा है, चलो बड़ा होके वो मेरी तरह नहीं इस तरह आएगा, वो अच्छी फील्ड में चला जाएगा। कैन यू इमेजिन, अब फ्रैंकल के पास मकसद क्या था, हिज वाइफ। उसने कहा मैं अपनी बीवी के लिए जीऊंगा, मैंने उसे मिलना है, मरने से पहले तो मैं उसे मिल के जाऊंगा। सही है। एक दिन वो इसी मकसद को लेके, पाँव में जूते नहीं है, दो दो इंच बर्फ है, हाथों पे फ्रॉस्ट बाइट हो चुकी है ठंड की वजह से, और वो जरा सा अगर स्लो हो रहा है तो पीछे से हंटर उसकी कमर पे आ रहा है, कमर उसकी छिली हुई है, खाने के भी कुछ नहीं, और वो काम कर रहा है। दिन का टाइम है, कोई 10-11 बजे का टाइम है। अब ऑशविट्स कैंप के साथ एक और फीमेल का कैंप था, और उस मोमेंट के अंदर जब उसको पीछे वाला, अब पीएचडी डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, और एक वो बंदा कि जिसको अपने माँ बाप का पता नहीं है, जो कि निचले लेवल का लो लाइफ है, वो उसको हंटर मार के कह रहे ओए यूजलेस बंदा, ओए यूजलेस आर्मी, यू आर यूजलेस मैन, काम कर काम कर। उस मोमेंट पे वो विक्टर फ्रैंकल ने कहा कि आई एम डूइंग दिस ऑल बिकॉज आई वॉन्ट टू बी विद माई वाइफ, आई विल एंड्योर इट, मैं निभा जाऊंगा। और जब वो ये चीज़ सोच रहा था
कि मैं अपनी बीवी के लिए निभा जाऊँगा, उसकी नज़र पड़ी साथ वाले कैंप की चिमनी में से भी धुआं निकल रहा था और उसको नहीं मालूम था कि उसी धुएं के अंदर उसकी बीवी जल रही थी। ओ इससे ज़्यादा एक इंसान को अगर आपने तोड़ना ना, इससे ज़्यादा नहीं तोड़ सकते आप। बट उसको मालूम नहीं था, बट उसके माइंड में जो था वो कर गया। एंड दैट इज मैन सर्च फॉर मीनिंग। अगर आपके पास कोई एक बड़ा मकसद है ज़िंदगी के अंदर, एक बड़ी मंजिल है, तो आप हर मुश्किल रास्ते से गुजर जाओगे। अगर आपके पास नहीं है तो यू विल बी लॉस्ट। भेड़ बकरियां होती हैं ना, चरवाहा बड़ा ज़रूरी होता है तो उनके बिल्कुल, वरना कोई आप भेड़ बकरी हैं और चरवाहा आपकी ज़िंदगी का वो मकसद है। बिल्कुल। और इसमें नीचे ने ये कहा था, फ्रेडरिक नीचे, मेरा ख्याल है बहुत से लोगों को उसको पढ़ना भी चाहिए, इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट मैन टू रीड एंड अंडरस्टैंड, बट उसने एक बात की थी तो उसने कहा था कि अ पर्सन हु हैज़ अ वाई कैन बियर एनी हाउ। ओके, अगर आपके पास क्यों है ना, तो फिर हाउस जितने भी हैं उसके साथ क्यों, कैसे, किस तरह से सब मैनेज हो जाता। लेकिन है? वो बात वही आ गई ना कि गोल है तो सब किसी भी रास्ते आप चले जाओ, किसी रास्ते में भी आप चल सकते हैं। और अगर आपकी जिंदगी के अंदर कुछ गोल नहीं है तो आई एम सॉरी, जिंदगी बहुत बेमायनी और बेमकसद, बेलिज्जत। बेलिज्जत बोलते हैं, बेलिज्जत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेलिज्जत सी सामने होगी, फीकी होगी। और आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, हमें ज़ाबील पार्क का रास्ता मुझे मालूम नहीं था। अगर मैं सुबह अपने घर से ये सोच के निकलता कि यार चलो कहीं तो चले जाएंगे, मैं गाड़ी निकालता हूँ, जैसे ही मैं गाड़ी निकालता हूँ मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता, मैं कहता हूँ यार अब कौन उतरे, टायर चेंज करे, जाना तो किसी ख़ास जगह पे है नहीं, कहाँ जाएंगे यार, चलो बेहतर नहीं है यार, गाड़ी खड़ाते हैं वापस चलते हैं, मैं वहीं बैठ जाऊँगा। बट अगर मेरा मकसद होगा कि जी ज़ाबील पार्क पहुँचना है, ये हमारा काम है और ये हमारा काम करना है, तो फिर मैं अपनी वर्कशॉप कॉल करूँगा, अपने मैकेनिक्स बुलवाऊँगा, आई विल मेक श्योर कि मेरी गाड़ी का टायर चेंज हो, अगर कोई बड़ा काम है तो मैं टैक्सी पकड़ूंगा, अगर वो काम नहीं है मैं गाड़ी टो चेन करा के खड़ा के बस पे या मेट्रो के ऊपर बैठ के मैंने यहाँ पहुँचना है, क्योंकि मेरा मकसद है कि मैंने यहाँ पहुँचना है। बिल्कुल। फिर मैंने हाउ नहीं देखा, मेरा वाई डिफाइन था, सही, मैंने हाउ नहीं देखा। और अगर आपने इसके बारे में अगर ज़्यादा पढ़ना है तो इस किताब को ज़रूर आप पढ़ें, मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। उससे आपको दो चीज़ें, तीन चीज़ें मिलेंगी आपको। एक तो आपको ये पता चलेगा कि हुआ क्या था होलोकॉस्ट के अंदर। ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, नहीं पता, और पता होना चाहिए, बिल्कुल लाजिम पता होना चाहिए, तारीख है भैया आपकी, तारीख का हिस्सा। दूसरी चीज़ जो आपको समझ आएगी इस किताब से वो ये समझ आएगी कि इंसान अगर मुश्किलात के अंदर हो और तकालीफ के अंदर हो तो क्या चीज़ उसको पार पहुंचा देती है, व्हाट गेट्स यू अक्रॉस थ्रू द डिफिकल्ट स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ। आई थिंक सो, अगर लोग ये बुक पढ़ेंगे और इसको उनके माइंड में ये उतर जाएगी तो ये जो सुसाइड रेशियो है ये भी बहुत कम हो जाएगी। ये आजकल के 15-15 साल के बच्चे बच्चियाँ जनाब, छोटी सी बात पे चलो जी खत्म। एग्जैक्टली। हम इसके ऊपर ऐसा करेंगे कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और हम इसके ऊपर जो नेक्स्ट जो हमारी बात है, हम इसके ऊपर यानी कि करने की कोशिश करेंगे और ये जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये हमारी इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड इट इज आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल पीपल कि वो कौन सी स्टेट ऑफ माइंड के अंदर होती है कि जहाँ पे आप इतना मायूसी में चले जाओ कि आपको कोई रास्ता ही ना मिले, एंड यू आर लाइक के आई एम गोना एंड इट, एंड पीपल डू दैट, आई हैव बीन थ्रू दैट, आई नो दैट फीलिंग वेरी वेल, और मुझे पता है कि किन चीज़ों ने मुझे उस चीज़ से निकाला था, किस चीज़ ने यानी कि किस चीज़ ने मुझे उसकी की हेल्प की थी। तो आई थिंक इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ये मैसेज जो है आप तक जो है इसको पहुंचाने की कोशिश करें। वो बात कन्वे कर सकता है जो उस फेज से गुजरा है, मतलब वो क्या क्या चीज़ें थी जो उसको वहाँ लेके गई और फिर किन चीज़ों ने पुल ऑफ किया उसको, और आप किस
किन चीज़ों को लेके, किन चीज़ों का सहारा लेके आप उस चीज़ से जो है बाहर निकल सकते हैं, हम इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। और आई थिंक ये भी बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ें अवॉइड करें तो वहाँ पहुँचे ही ना। एग्जैक्टली ये तो वैसे होता है कि exactly. मतलब पहुंच या वापस नहीं आ सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहती हैं और उसका खमियाजा आपको सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। तो फॉर श्योर डेफिनेटली हम उसके ऊपर जो है हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करने की कोशिश करेंगे। बट जो मैं बात कर रहा था, तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी इस किताब से जो आपको सीखने को मिलेगी। एक तो ये द हिस्ट्री ऑफ द होलोकॉस्ट, द सेकेंड इज़ के हाउ यू कैन फाइंड मीनिंग इन योर लाइफ, एंड द थर्ड थिंग एंड द मोस्ट आई थिंक दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी इज के यू नो तारीख के अंदर जितने भी बड़े लोग पास हुए हैं, ठीक है, देयर वाज समथिंग यूनिक इन देम जिसकी वजह से आज वो जिंदा है। बिल्कुल, सोक्रेटिस का नाम आज तक लोग जानते हैं, सुकरात आज तक लोग जानते हैं, अरस्तू बिल्कुल आज तक लोगों को पता, ठीक है, प्लेटो आज तक लोगों को पता है, लोग बात करते हैं, ठीक है, जितने भी आपकी इवन इन योर ईस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट उसके अंदर जितने भी अलामा शरीफ अलब्रजी, मुर्तज़ा मुतहरी, इस किस्म के जो आपको जो थिंकर्स आए हैं कि जिन्होंने रूमी, स्पेशली रूमी की इज़ द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ रूमी, और रूमी के जो उस्ताद थे शम्स तिब्रेज, उनकी अगर आप ले लें, क्यों आज तक शम्स का नाम जिंदा रहा, क्यों आज तक रूमी जिंदा, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी को एक डब्बे के अंदर बंद नहीं किया, उन्होंने कभी भी अपने माइंड को ब्लाइंडर्स नहीं पहनाए। मुझे नहीं पता उसको उर्दू में क्या कहते हैं, वो जो घोड़े को जो ब्लाइंडर्स पहनाते हैं ना, कि उसको राइट और लेफ्ट नज़र ना आए, वो खाली उसको रोड नज़र आए। आजकल हमारे लोगों ने पहने हुए हैं ब्लाइंडर्स, उनको ना लेफ्ट नज़र आता है ना राइट नज़र आता, ठीक है। उसकी एग्जांपल आप ये देख लें, बेचारे अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, जुनैद जमशेद, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की तारीख का। उस बेचारे ने एक बात की, कुरान की चंद आयात पढ़ी, हदीस पढ़ी उसने, लोगों ने उसको जलील कर दिया, इतना जलील किया कि उसको माफी मांगनी पड़ी हाथ जोड़ के कि जी मुझे माफ कर दो। कभी किसी बंदे ने इस चीज पे वीडियो नहीं बनाई कि भी अगर जुनैद जमशेद ने एक बात किया, जरा मैं खोज लगाऊं कि क्या कह रहा है। अगर मैं यहां बैठ के अगर आपको एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देता हूं कि जी लाइट की स्पीड और साउंड की स्पीड बराबर है, फॉर एग्जांपल, तो इंस्टेड कि आप मुझे गालियां निकालना शुरू कर दो और कहो कि जाहिल आदमी इग्नोरेंट है यार, कभी साइंस नहीं पढ़ी इसने, उससे बेहतर नहीं है कि आप एक और वीडियो बनाओ और ब्लॉग बनाओ कि ये जो बंदा बात कर रहा है ये क्यों बात कर रहा है इन टर्म्स ऑफ लॉजिक, फैक्ट्स, फिगर्स एंड देन हिज पर्सनल ओपिनियन। हाँ, आप अपने ओपिनियंस लेके आओ, तजर्बात, जो सब कुछ। हाँ, कि भाई इस वजह से प्रूफ करो, वैसे प्रूफ करो। हम लोग क्या करते हैं, हमने ब्लाइंडर्स पहने हुए हैं, हम गालम गलोच, दूसरे को नीचा दिखाना, फौरन जो है हम एक ऐसी जज्बाती पटड़ी पकड़ लेते हैं कि जिसके ऊपर सिवाय आर्ग्यूमेंट और बहस के और लड़ाई झगड़े के कुछ नहीं है। और विक्टर फ्रैंकल को अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप जॉर्डन पीटरसन को पढ़ेंगे, रॉबर्ट पर्सक को पढ़ेंगे, रूमी को पढ़ेंगे, शम्स तिब्रेज को पढ़ेंगे, स्पेशली शम्स तिब्रेज को अगर आप पढ़ेंगे, आप बाबा बुल्ले शाह की अगर ज़िंदगी पढ़ेंगे, जितने भी थिंकर्स हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं जो आज तक जिंदा हैं, सुकरात की मैं एग्जांपल स्पेशली दूंगा क्योंकि सुकरात को अपने अंदर से आवाज़ आती थी जो उसको खाली ये बताती थी कि भाई तुमने ये काम नहीं करना, ये नहीं कि तुमने ये काम करना है, ये काम तुमने नहीं करना, बाकी। और उसने डिसाइड किया कि जो मुझे ये आवाज़ कह रही है ना मैं ये सुनूंगा, देखो तो सही होता क्या। और क्या होता है आज, मैं 3,000-4,000 साल के बाद, 6,000 साल के बाद, मुझे नहीं पता वो कब आया था, हम ज़ाबील पार्क में इस खूबसूरत सी सुबह के अंदर बैठ के हम उसका नाम ले रहे हैं। बिल्कुल, एंड दैट इज़ हाउ यू लिव, और उसकी बातों से हम सीख रहे हैं। एग्जैक्टली, तो
لازم اس کتاب کو دیکھیے گا, پڑھیے گا. زیادہ بڑی کتاب نہیں ہے, یہ کتاب بہت آسان ہے اس ریڈر کے لیے اسپیشلی جس کو کتابیں پڑھنے کا اتنا زیادہ شوق بھی نہیں ہے بٹ پڑھنا چاہتا ہے, کہیں سے اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے. بالکل. اور اینڈ کے اندر بیفور کنکلوڈنگ دس, اس نے یہ فرینکل کو یہ پتا چلا جو علی جو سولزنیتسن نے بھی کہا تھا کہ انسان دو قسم کے ہیں. ایک وہ انسان ہے جس نے آشوٹس کے اندر بوائلر رومز بنائے تھے, اور ایک وہ انسان ہے جو انہی بوائلر روم کے اندر خود سینہ تان کے جلنے چلا گیا خدا کا نام اپنی زبان پہ لے کے. بالکل. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں کہ آپ سینہ تان کے آگ کے اندر چلے جائیں گے اور آپ بوائلر روم بنانے والے کے اندر شامل نہیں ہوں گے, انفارچونیٹلی یو آر رانگ. اسٹیٹسٹکلی دیر از اے ہائی پروبیبلٹی دیٹ اف یو وڈ ہیو بین بورن ان نازی جرمنی, این فرینک کو نہیں بچانا تھا آپ نے, آپ نے این فرینک کو مارنے والوں میں سے ہونا تھا. کیونکہ ایزی ہے نا, آپ کھڑے ہو ادھر, مار دو اس کو, اس کو بچا لو, اس کو مار دو, اس کو بچا لو مطلب ذلیل کر دو اس کو. یس. اور انشاءاللہ اس چیز کے اوپر ہم بات کریں گے کہ وائی آئی تھنک لائک دیٹ, تو وہ ہم آگے فیوچر کے اندر پھر ان چیزوں کو کور کرتے رہیں گے. تو یہ میری جو تیسری بک تھی. تو اگر ہم ریکیپ دے دیں اپنے ناظرین کو کہ بک نمبر ون از جارڈن پیٹرسن 12 رولز فار لائف اینڈ اینٹی ڈاٹ ٹو کیوس, اٹس اے مسٹ ریڈ. بک نمبر ٹو از زین ان دی آرٹ آف موٹر سائیکل مینٹیننس and it's written by Robert Persig, and the third book, as I said right now, it's Man's Search for Meaning by Viktor Frankl, and I hope you will give this a read. All right guys, aaj ki podcast main yahi pe khatam karunga aur next two books jo hain wo agli podcast mein honge inshaallah. Aur bahut maza aaya sir. No, thank you very much, it's always wonderful. It's always wonderful to talk. Aur آئی ہوپ آپ زاہد صاحب کا چینل جو ہے وہ دیکھتے رہیں گے, آئی ہوپ آپ ان کو فالو کرتے رہیں گے. ہی از ون آف دا موسٹ انوویٹیو پرسنز آئی نو. مجھے اس چیز کے کا تعارف کرانے والا بھی یہی ہے, ہی از اے ویری ٹیکنیکل گائے, از اے ویری ہینڈی گائے. تو اگر آپ اس کو فالو کریں تو شاید آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مزید سیکھنے کو ملیں گی, اور ان شاء اللہ وی ول کنٹینیو آور فیوچر کولیبوریشن ان شاء اللہ. ان شاء اللہ. ہوپ فلی. اور رائٹ, ٹل دا نیکسٹ پارٹ 3, آپ سب اپنا خیال رکھیے گا, آپ آس پاس صفائی رکھیں, پاکستان میں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.